बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। माय नेम इज़ सलीम मुराद, आई एम योर मैथ टीचर। डेयर स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर नंबर 8 डिस्कस कर रहे हैं बेटा, और चैप्टर नंबर 8 में एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 1 हम डिस्कस कर चुके हैं बेटा। और एक्सरसाइज 8.4 में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बेटा मल्टीप्लिकेशन ऑफ बाइनोमियल विद बाइनोमियल या बाइनोमियल विद ट्राइनोमियल। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे बेटा, जिसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किस चीज़ को बेटा, बाइनोमियल विद बाइनोमियल या बाइनोमियल विद ट्राइनोमियल। तो बेटा आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपने क्या करना है बेटा, सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा, इसमें आपने इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है बेटा। अच्छा, सबसे पहले आप लोग इसको, ये आपके पास आपने क्वेश्चन एज इट इज़ लिखा, सबसे पहले आप एक्स स्क्वायर को इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, यानी एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3x + 2y प्लस फिर वाई स्क्वायर को आप मल्टीप्लाई करेंगे 3x + 2y से, वाई स्क्वायर इंटू 3x + 2y। इसमें एक्स वाई को आप इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे और एक्स वाई को आप इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा बेटा, 3x को जब आपने एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आंसर आ गया 3x³, और फिर 2y से मल्टीप्लाई किया 2x² y, और यहाँ से क्या आएगा 3xy² इससे मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास क्या आएगा बेटा 2y³, और इसको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा x² y, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3y². यहाँ पर आपके पास क्या बेटा -3xy² +3xy² कैंसिल ईच अदर, तो ये एक दूसरे से कटेंगे, ये पॉजिटिव है बेटा और ये क्या है आपके पास नेगेटिव वैल्यू है, ठीक है बेटा, कैंसिल ईच अदर, आपके पास क्या बचा बेटा 3x³, ये आपके पास क्या बेटा 3x³, और इसके बाद आप देख रहे हैं बेटा 2x² y, और यहाँ पर भी क्या है बेटा x² y, सेम लाइक टर्म्स है बेटा, तो इनके कोएफिशिएंट को ऐड करेंगे, इसका कोएफिशिएंट 2 है और इसका कोएफिशिएंट क्या है बेटा 1 है, तो आपके पास आंसर किसके बराबर रहेगा 3xy² इसी तरह आपके पास यहाँ से एक वैल्यू बच गई 3y³, तो ये आपने क्या लिखा बेटा 2y³, तो ये आपकी क्या है बेटा सिंप्लीफाइड फॉर्म है। इसमें आप लोग देख रहे हैं बेटा ये भी 2 टर्म्स हैं, ये भी 2 टर्म्स हैं, ये क्या है 2 टर्म्स हैं, ये एक सिंगल टर्म, ये 2 टर्म्स है बेटा, और क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ बेटा कि जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तब भी दोनों टर्म्स रहेंगी, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में आप एक ही टर्म उसको काउंट करेंगे। उम्मीद है बेटा कि क्वेश्चन नंबर टू का फर्स्ट पार्ट आपको समझ आया होगा कि किस तरह से हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। दोबारा से देख लें बेटा, पहले एक्स स्क्वायर को इस सारे से मल्टीप्लाई करें, फिर वाई स्क्वायर को इस सारे से मल्टीप्लाई करें, और यहाँ से बेटा इसको मल्टीप्लाई कर लें और इसको मल्टीप्लाई कर लें। मल्टीप्लाई करने के बाद जिन वैल्यूज़ की, जिन टर्म्स की कटिंग होती है आप कटिंग कर लें, और बाकी जो ऐड होती हैं या बाकी बचती हैं रिमेनिंग टर्म्स, आप उसको वैसे के वैसे लिखेंगे, जो कि क्या कहलाएंगे बेटा सिंप्लीफाइड फॉर्म कहलाएगी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट बेटा, इसमें आपके पास क्या बेटा, ये ट्राइनोमियल है, ये बाइनोमियल है, ये ट्राइनोमियल है और बाइनोमियल। और एक्सरसाइज 8.4 के शुरू में मैं आपको बता चुका हूँ बेटा के बाइनोमियल टर्म्स को बाइनोमियल टर्म से आपस में मल्टीप्लाई कर दें, या ट्राइनोमियल्स को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करें, और आप क्या करेंगे बेटा उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे। अब आपने करना है क्या बेटा, आप यूँ भी कर सकते हैं, इसको इसे मल्टीप्लाई कर लें, इसको इसे मल्टीप्लाई कर लें, इसको इसे मल्टीप्लाई करें, या इसको इसे मल्टीप्लाई कर दें, या इसको इसे मल्टीप्लाई कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बेटा। तो मैंने m को पहले इससे मल्टीप्लाई किया m मल्टीप्लाई बाय दिस, फिर 2 को इससे मल्टीप्लाई किया 2 मल्टीप्लाई बाय दिस। इसी तरह बेटा यहाँ पर 2m को इस सारे से मल्टीप्लाई किया 2m मल्टीप्लाई बाय दिस, और इस तरह -3 मल्टीप्लाई बाय दिस, ये मैंने लिखा बेटा। माइनस होने की वजह से मैंने कर्ली ब्रैकेट्स का इस्तेमाल किया, क्योंकि पेरेंथेसिस या स्मॉल ब्रैकेट जो है ऑलरेडी दरमियान में इस्तेमाल हो रही हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर क्या आएगा बेटा 2m³, यहाँ से क्या आएगा 5m², यहाँ इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा बेटा 4m, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4m², 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10m, और 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास क्या आएगा बेटा 8। इसी तरह 2 को m² से मल्टीप्लाई करें 2m³,
टू को सेवन से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आंसर क्या आएगा बेटा, 14m² 2 को -8 से मल्टीप्लाई करें 16m³f² 3 7s are 21 हमें आ गया बेटा। इसी तरह आप लोग क्या लिखेंगे बेटा, 3 8s are 24 ये माइनस है, माइनस बाहर होगा तो क्या करेंगे बेटा आप लोग, अंदर वाली तमाम वैल्यूज़ का साइन चेंज करेंगे बेटा। अब आपके पास ये आ गया, ये क्या हमारे पास 7 2m 14m² और -11 -3 -11m² इसी तरह बेटा। या इस तरह कर लें बेटा, पहले इसको सॉल्व कर लें, सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लें, ये है 2m³ एज इट इज़ आ गया बेटा, यहाँ पे क्या बेटा 4m² और यहाँ पर आपके पास क्या बेटा 5m² -5 है प्लस 4 है तो -5 में से प्लस 4 निकालेंगे तो -m² आ गया। यहाँ पे आपके पास क्या 4m -10m -10 में से क्या निकालेंगे 6 4 निकालेंगे तो -6 आ गया बेटा, 8 एक ही कांस्टेंट है बेटा एज इट इज़ आ गया एज इट इज़। 2m³ यहाँ पर आप लोग क्या लिखेंगे 14m² -3m² तो आपके पास आ गया 11m² और -16m और -21m ये टोटल बनेगा बेटा 37m और माइनस है बाहर तो साइन चेंज होगा -24। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं बेटा कि 2m³ और -2m³ कैंसिल ईच अदर, -m² -11m² तो आपके पास ये आ गया बेटा -12m² आ गया, ये 37 है बेटा आपके पास -37m और यहाँ पर आपके पास क्या बेटा 6 है तो ये -37m ये प्लस का है बेटा तो इसमें प्लस 37 में से 6m निकालेंगे तो आपके पास क्या आ गया बेटा 31m और इसी तरह बेटा -24 में से आप माइनस करेंगे 8 को तो आपके पास क्या आ गया -16m। तो इस तरह से बेटा आप लोगों ने क्या किया कि बाइनोमियल ट्राइनोमियल टर्म्स हैं ये बेटा को मल्टीप्लाई किया बाइनोमियल टर्म्स है और इसमें भी ट्राइनोमियल टर्म्स को मल्टीप्लाई किया बाइनोमियल टर्म्स है और सिंप्लीफाइड का फॉर्म सिंप्लीफाइड फॉर्म में आप लोग देख रहे हैं कि इसमें 1 2 3 टर्म्स हैं तो आंसर क्या आ गया बेटा ट्राइनोमियल्स में आ गया। यहाँ पर आपके पास कौन सी थी बेटा, इसमें भी आप देख रहे हैं बेटा बाइनोमियल था, बाइनोमियल ये आपकी क्या होगा बेटा मोनोनोमियल ही होगा क्योंकि नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, सॉरी बाइनोमियल होगा क्योंकि इसमें भी दो क्या है बेटा टू टर्म्स हैं अगर एक्स वाई को मल्टीप्लाई भी कर दें। तो डियर स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन नंबर 2 में आपको समझ आया होगा कि हम लोग किस तरह मल्टीप्लाई कर रहे हैं बाइनोमियल टर्म को बाइनोमियल टर्म्स के साथ और बाइनोमियल टर्म को ट्राइनोमियल टर्म्स के साथ, ठीक है बेटा। और अगर कोई इसमें कोई बात समझ ना आई हो या वजाहत तलब रह गई हो तो बेटा आप व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं बेटा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।